इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा नहीं चाहिए इतना। पति की हरकत देखना, नहीं कहा था रखा था क्योंकि मैं किसी को दिखा नहीं सकती थी। आउच। हाय एवरीवन, आप मुझे इस पागलों वाली हालत में देख रहे होंगे, बट इस पागल जैसी हालत का भी एक राज है जो कि आपको पता चलेगा कल। मेरी हालत आप जो देख रहे हैं वो मेरी हालत इसलिए है क्योंकि मैं एक बहुत अमेजिंग दुर्गा पूजा का लुक क्रिएट करने वाली हूँ और आप मेरे साथ बने रहो। आज मैं आपको पिन टू प्लेन सारा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे मैं करती हूँ और ये गवार देखो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। So stay tuned with me guys. मेहंदी और आलता मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं पोस्टर कलर से ना पैरों को मतलब कि आलता टाइप्स लगाऊंगी और साथ में हाथों पे भी आलता टाइप्स लगा लूंगी क्योंकि आलते के बिना तो लुक अधूरा है। जब काम करना होता है ना चीजें भी खत्म हो जाती, जब कोई जरूरत होती है ना तब चीजें खत्म हो जाती है। आज मुझे इसकी जरूरत है तो ये खत्म हो गया, मुझे पानी लगा लगा के इसको यूज करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हर चीज में स्ट्रगल है, ये भी कर लेंगे। So, चलो देखते आगे क्या करते हैं, ये इसको ख़त्म करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो ये टेम्परेरी सा आलता मैं लगा दिया। आलते का कलर भी देखो मुझे किस कलर का मिला, लाल की जगह ऑरेंज, बट नहीं ये पिक्चर्स में अच्छा लगेगा। सो लेंसेज पहन के मैं होगी रेडी और ये जो सारा मैंने अभी टाइम लगेगा, ट्रस्ट द प्रोसेस गाइज। और ये रहा मेरा सेटअप सारा का सारा, बाकी सेटअप आपको बाद में मिलेगा। गुड़ैल के फूल यूज होते हैं वो मैंने मंगा लिए हैं और ये साथ में दुनिया भर की चुन्नियां इकट्ठी कर ली है। व्हाइट साड़ी मेरे पास थी नहीं तो ये एसएमईज क्लॉथ होता है गामुसा, वो ले लिया है और साथ में व्हाइट कलर के नीचे बेस ले लिया इसका। और बाकी जो है वो तो सब खिला रहा, आपको पता ही है मेरा कितना खिलारा होता है। मैं ना नथ ढूंढ रही थी तो मुझे ये नथ मिल गई है। ये नथ भी मैंने अपने आप बनाई थी, बाकी ज्वेलरी देख रही हूँ जैसा मेरा लुक है ना उसमें ज्वेलरी मुझे ना थोड़े झुमके टाइप के चाहिए क्योंकि झुमके नहीं मिल रहे मुझे, बाकी अंडे संडे सब कुछ मिल रहा है। झुमकों का पता नहीं कहाँ है, इतनी कलेक्शन है मेरे पास लेकिन झुमके नहीं है मेरे पास, शर्म आनी चाहिए। चलो देखती हूँ कहीं और से। मेरी ना फ्रेंड से मैंने ज्वेलरी मंगाई थी मराठी शूट करने के लिए, मुझे लग रहा उसमें ना हो। और बाय द वे लैशेस लगाने से मैंने यहाँ चिपकाई है झुमकी। यस यस मुझे मिल गई क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ज्वेलरीज की इसमें देखी थी झुमकियाँ थी। सो चलो फटाफट से लुक क्रिएट करते हैं। सो गाइज ये वाला लुक अभी मैं शूट कर ही रही हूँ, अभी लाइव आई थी और मेरा सारा सेटअप आप देख सकते हो कितना सारा खिलेरा पाया हुआ है मैंने। ये मैं, ये मेरा व्यू और सारा काम यहाँ फैला पड़ा है। अब मैं कैसे कैसे तैयार होती, अभी मैंने बंडाना डाल के रखा था क्योंकि मैं किसी को दिखा नहीं सकती थी। आउच, ये बंडाना मैंने हटा दिया और अब आपको दिखाती हूँ क्या है इसके। बेसिकली मेकअप मैंने कर लिया है सारा और अब मैं करूँगी थोड़ा सा चित्रकला यू कैन से जो कि मुझे करनी है इस कलर से। सो फटाफट से मैं इसे करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे। सो बालों को मैंने खोल लिया, ये कुछ ऐसे से लग रहे हैं। अब इसमें बनेंगे सिंदूर और एक मिनट सिंदूर के लिए ये जो आपने वीडियो में देखा ही था कि मार्स का मैंने मंगाया है और आई होप मांग मेरी सीधी ही है। सीधी लग रही है, सीधी नहीं लग रही। सिंदूर भरेंगे और सिंदूर को पीछे तक भर के आगे फैलाएंगे ज्यादा सारी बिकॉज माता रानी का जो लुक है उसमें सिंदूर ज्यादा ही चाहिए होता है। इस तरह से सिंदूर से नहीं होगा, हमें अच्छे तरीके से ज्यादा लगाना है। और स्पूली ब्रश से मैं इसको कॉम करके सारी क्लियर कर रही हूँ उधर, और जो थोड़ा बहुत जो हाथ लग लग के मेरा आई शेडो हिल गया है ये इसको मैं और करूंगी। और ये ना एसएमईज ट्रेडिशन का गामूसा होता है, मैंने वो पहना है क्योंकि मेरे पास साड़ी नहीं थी और ये व्हाइट कलर की धोती है। सो गाइस दिस इज माय लुक, अभी मैं जा रही हूँ शूट करने और ये मेरा लुक है। कहाँ से करा? और ये और बनकर अब हम जा रहे हैं शूट। वीडियो के लिए सेटअप हमने लुभान जला लिया है, ये जो धुएं के लिए कर लिया है और थोड़ी और जला दूंगा इसको, इसमें लगाओ। यस थोड़ा सा ऐसे वाला लुक क्रिएट करना है। सो इसके लिए एक मिनट
कर 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 वेरी नाइस गाइस, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सा इफेक्ट आएगा हमारा इस पे। जुबान दो उसको, थोड़ा ड्रायर मार के तेज कर देता हूँ। नहीं नहीं है ठीक है। अरे यार थोड़ा तेज करो, मान मेरे को यहीं से धुआं चाहिए, ऐसे ही धुआं चाहिए। मानोगे नहीं चाहिए इतना साला, नोट लगा के बोल भी नहीं सकते आप। सो इस तरीके से मैंने जसनूर को पकड़ाया है ड्रायर और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, और जैसे हवा मार के दिखाई कैसे शूट आएगा लुक। मैं देखता हूँ, नहीं आ रही हवा, इधर मार दम। ये वाला लुक अब हमारा ऑलमोस्ट डन है, लेकिन ना हमें नीचे जाके नेचुरल गार्डन में भी फोटो करनी है थोड़ी सी, इसलिए मेरा पति की हरकत देखना नहीं गाना अच्छा लग रहा है। रिंग लाइट लेके मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। ये मेरा गार्डन है, सो यहाँ पे पैरों के थोड़े से स्टेप्स लेने मुझे, तो यहाँ लूंगी मैं। चला जैसे तो मैंने यहाँ पे शूट कर लिया है, लोग मुझे पता बहुत घूर रहे हैं, बट डोंट वरी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आ जाओ जस्सू मेरे साथ। सो इट्स वेरी टफ टू लाइक शूट लाइक दिस, लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट कोई बात नहीं, हमारा तो काम है। सो आप लोग बताना ये लुक आपको कैसा लगा, क्योंकि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट और बहुत सुंदर लुक निकल के आया है। बहुत गाइस मेरी भी बहुत योगदान है इसमें। यही था आज का दिन, कैसे मैंने इसको शूट किया, कैसे सब कुछ अरेंज किया, सारा मैंने आपको दिखाया कि एक शूट को करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना, सो दैट मेरे को भी थोड़ा और हौसला मिले और मैं आगे ऐसे शूट्स कर सकूं, बिकॉज सीरियसली बहुत मेहनत लगती है सही में, एक एक चीज़ अरेंज करना, कैसे जुगाड़ करना। लोगों को तो सिर्फ थोड़ी सी 5-10 सेकंड की रील देखने को मिलती है, लेकिन उसके पीछे की जो सारी मेहनत है वो वही जानता है जो करता है। सो आप सबको हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस, और बाकी तो जय माता दी।